हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के द्वारा एक और नेम रिएक्शंस को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये नेम रिएक्शंस है, एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। एक्चुअली सिंथेटिक रिएक्शन में एक बहुत बेस्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन का नाम है बैकमैन रीअरेंजमेंट। क्या रिएक्शन का नाम हो गया? बैकमैन रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग समझ गए होंगे रिएक्शन का, ये बैकमैन रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और एक्चुअली इसका संबंध हमारे ऑक्सीजन टू एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्जिलिक एसिड चैप्टर से है। इसका क्या है इक्वेशन, क्या है इसका फॉर्मेट, वो हम लोग अभी पढ़ने इसमें जा रहे हैं। तो इसमें एज इट इज़ हम लोग पढ़ेंगे। पहला डेफिनेशन पॉइंट्स है, सेकेंड पॉइंट हम लोग का इक्वेशन, थर्ड मैकेनिज्म होगा, और फोर्थ इसका जो प्रोबेबल एप्लीकेशन है उसके बारे में देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका डेफिनेशन। सिंपल डेफिनेशन है कि जो कीटोक्साइम होता है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है किस में? एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। एमाइड जानते हो, एमाइड में सी ओ एन बॉन्ड होता है, तो एन पर कोई ग्रुप आके जुड़ जाएगा, उसको कहते हैं एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड। किस मीडियम में? ओनली एसिडिक मीडियम में। तो कन्वर्जन समझ गए होंगे, कीटोक्साइम या एल्डोक्साइम जो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड में। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो हम लोग लिखें कुछ इस प्रकार कि दिस रिएक्शन इज सिंपल कन्वर्जन ऑफ कीटोक्साइम या एल्डोक्साइम इनटू किस चीज में? एन सब्स्टिट्यूटेड एमाइड इन एसिडिक मीडियम। दिस कन्वर्जन इज नोन एज बैकमैन रीअरेंजमेंट। ओके, इसमें कैसे होगा एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसमें एक यहाँ प्रॉब्लम आ जाता है एसिडिक मीडियम का बात। तो एसिडिक मीडियम्स दो टाइप का होता है, जैसे सभी जानते होंगे एसिडिक मीडियम में दो तरह का, एक प्रोटिक एसिड जिसमें H प्लस हो, प्रोटिक एसिड H प्लस वाला, जैसे सिंपल H2SO4 है, H3PO4 है, ये सब हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, प्रोटिक एसिड है। और दूसरा होगा नॉन प्रोटिक, दोनों में ये काम होगा। नॉन प्रोटिक एसिड भी होता है जिसमें एच नहीं है, एक एसिड होता है लुईस एसिड का काम करता है, जैसे बोरोन ट्राइफ्लोराइड है ना, जैसे और सारा रिएजेंट है, POCl3 है, PCl5 है, ये सब क्या है? ये सब नॉन प्रोटिक एसिड है। इस रिएक्शन में, इस दोनों में ये काम प्रोसीड होता है, मीडियम एसिडिक मीडियम, ध्यान देना है। अब होगा कैसे, ये कन्वर्जन कैसे होता है? तो कन्वर्जन एक्चुअली सेकेंड, ये जो हमारा एल्डोक्साइम या कीटोक्साइम ऑक्सीजन टू का है, ये आप देख कैसे कन्वर्जन होता है। देख, कोई भी एल्डोक्साइम, जैसे सी डबल बॉन्ड ओ है, एन है, एन पर क्या है? ओ एच है। इधर कोई भी ग्रुप हो, मान लेते हैं यहाँ मिथाइल हो, मान लेते हैं यहाँ इथाइल, अलग अलग है, आर हो आर डैश। अगर हम इस पर एसिडिक मीडियम डालेंगे तो ये एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में, एच प्लस के प्रेजेंस में, ये जो कंपाउंड हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार एन है, एन पर यहाँ C2H5 आ गया, यहाँ पर एच आ गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया, और यहाँ पर CH3। अब ये हुआ कैसे, हाउ, यही हम लोग समझेंगे अपने मैकेनिज्म सेक्शन में, कैसे हुआ। ऐसे बहुत सारा रिएक्शंस होगा, जैसे ये रिएक्शंस है ना, रिंग है, डबल बॉन्ड एन है, एन पर क्या है? ओ एच है, ये भी ऑक्साइम
है ना, ये भी ऑक्साइम है। ये ऑक्साइम को अगर हम मीडियम वही देते हैं एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड ओ, और इसके साथ 1, 2, 3, 4, 4 के साथ 5, 6, और यहाँ पर क्या हो जाता है, एक कंपाउंड आके बन जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पर N के साथ क्या हो गया, H आके बन गया, ये कंपाउंड बन जाएगा। इट इज़ बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है कैप्रोलैक्टम। ये भी फॉर्मेशंस होता है, कैसे होता है, तो इस रिएक्शन का क्या हो गया, ये इक्वेशन होगा। कोई भी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली हुआ, समझ गए होंगे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर जो इथाइल ग्रुप था वो शिफ्ट होके यहाँ चला गया और OH वाला ग्रुप इधर आ गया, और उस O पर क्या हो गया, डबल बॉन्डेड O आके जुड़ गया, यही शिफ्टिंग हो गया। इट इज़ कॉल्ड क्या, रीअरेंजमेंट, इट इज़ एरो ऑफ किसका, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब ये होगा क्लियर किससे, मैकेनिज्म से क्लियर होगा। ओके, अब हम लोग थर्ड पॉइंट पर चलें। इट इज आवर क्या हो गया, मैकेनिज्म। कोई भी रिएक्शन का मैकेनिज्म जैसे जानते हैं बैकबोन होता है, रिएक्शन हुआ कैसे होगा, इसका क्या कॉन्सेप्शन से मैकेनिज्म समझने से पहले दो चीज़ समझना है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस्ट पार्ट है स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री जो होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो कहता है कि हाइड्रोक्सी के जो ट्रांसफर होगा, जो भी OH ग्रुप के ट्रांसपोजिशन पर होगा, वही शिफ्ट करेगा ट्रांस टू OH माइग्रेट। ये कहता है अकॉर्डिंग टू स्टीरियो केमिस्ट्री। और अकॉर्डिंग टू माइग्रेटिंग टेंडेंसी जो होता है, माइग्रेटिंग टेंडेंसी जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, तो माइग्रेटिंग टेंडेंसी क्या कहता है, सबसे अच्छा माइग्रेटिंग हाइड्रोजन, उसके बाद पीएच समझ गए, फिनाइल रिंग, उसके बाद 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। माइग्रेटिंग एटीट्यूड के हिसाब से इसका जो यहाँ पर डिस्कशन, ये दोनों पॉइंट्स का होता है ये। और एक रिएक्शन है, बट एक रिएक्शन का नाम सुने होंगे, बेयर्स विलिंजर रिएक्शन। इसमें थर्मोडायनामिकल विलिंजर रिएक्शन में क्या होता है, रिएजमेंट रिएक्शन में थोड़ा सा हल्का सा, तो पीएच पहले आ जाता है, देन एच, देन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट ये पार्ट्स आता है CSIR नेट के लिए भी, और कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो ये पार्ट में हुआ कैसे, तो उस पार्ट्स के बारे में हम यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। ये दोनों स्टूडियो केमिस्ट्री जान गए। अब कोई रिएक्शन, जैसे अभी अभी हम लोग रिएक्शन लिए हैं, क्या है, डबल बॉन्ड N है, N पर क्या है, OH है, मान लेते हैं यहाँ pH लगा हुआ, फिनाइल लगा हुआ है बेंजीन रिंग, और यहाँ पर सपोज करो CH3 लगा हुआ। अगर इसी को रिएक्शन करवाते हैं एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम H+ डाले, और रिएक्शन का क्या प्रोडक्ट होगा, समझ गए होगे, N है, N पर यहाँ pH आ जाएगा, यहाँ H आ जाएगा, यहाँ ऑलरेडी CH3 है, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, कैसे हुआ होगा। अब ये समस्या आ रहा कि ये जो सेक्शन है क्या कैसे बना होगा, तो ये सेक्शन जो बना होगा एल्डिहाइड और कीटोन से। जैसे ये हम जान रहे हैं, ये कंपाउंड जो है CH3PH, ये हमारा क्या होगा, एसीटोफिनोन है, और एसीटोफिनोन को अगर हम लोग रिएक्शन करवा देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जान रहे हैं किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड H2NOH, दोनों के बीच में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से O और यहाँ से 2H, H2O निकल गया, निकलने के बाद देखिए यही प्रोडक्ट बना कि नहीं बना, CH3PH, डबल बॉन्ड पर क्या आ गया, N, डबल बॉन्ड पर N आ गया, और उस N पर क्या है, OH, उस N पर क्या OH है, यहाँ यही बना। तो ये जो कंपाउंड है इसका नाम समझ सकते हैं, ऑक्सीजन 2 का कीटोन हुआ एसीटोफेनॉन। इस कंपाउंड को हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NH2OH, इसका नाम क्या हो गया, हाइड्रोक्सिल क्या हो गया, एमाइन, इसके साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। इसका नाम क्या हो गया, N पर फिनाइल है, N सब्स्टिट्यूटेड है, तो N फिनाइल हो जाएगा, N फिनाइल है, और दो एमाइड है, दो कार्बन का एमाइड, इथेन सिंगल बॉन्ड N, और 1 पर क्या हो गया, एमाइड, इथेनामाइड,
एंड पर देखो एन सब्सिट्यूटेड बताए हैं, एन सब्सिट्यूटेड का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया, एसीटोफेनॉन टू ये कन्वर्ट हो गया, ये रिएक्शन को यूज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसका आप मैकेनिज्म कैसे होगा, सुटेबल पाथ देखते हैं। मैकेनिज्म में स्टेप वन ये तो रिएक्शंस हो गया उसी का, हम फॉर्मेटिक रिएक्शन डाल के बता दिए। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एन पर क्या है बता दो, OH ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, CH3 है। यहाँ पर क्या है बताओ ना, pH है। यहाँ पर मीडियम क्या है, एसिडिक, एसिडिक मीडियम है। इस पर लॉन पेयर अटैक किया, लॉन पेयर जब ये अटैक किया तो यहाँ पर N है, N पर क्या O, O पर H, O पर H आ गया, और एक लॉन पेयर बचा, एक इस पर प्लस आ गया, और यहाँ CH3 हुआ, यहाँ pH हुआ, इट इज़ कॉल्ड H प्लस जुड़ रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोटोनेशन, दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोटोनेशन हुआ, ठीक है, प्रोटोनेशन हुआ। अब प्रॉब्लम आता है, प्रोटोनेशन होने के बाद ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है HOH, ये रिमूव होना चाहेगा, क्यों रिमूव होना चाहेगा, इस पर प्लस आ गया, जब ये इस पर प्लस आ जाएगा तो यहाँ पर कितने ऑर्बिटल नाइट्रोजन पर बचेगा, दो ही ऑर्बिटल बचेगा, एक एम्प्टी हो जाएगा। इस केस में अभी क्या बताए हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से इस OH के जो ट्रांस मैंने इधर अपोजिट साइड में, जिसको हम लोग NTV कहते हैं, ट्रांस का दूसरा नाम यहाँ पर क्या होगा, NTV होगा। NT वाला जो होगा वो ग्रुप आराम से क्या करेगा, माइग्रेट करेगा। आप क्वेश्चन आता है NT वाला ही क्यों माइग्रेट करेगा, NT में रिपल्सन क्या होता, कम होता, रिपल्सन कम तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होता, तो ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन लेते हुए शिफ्ट कर गया किस पे, इस नाइट्रोजन पर, यही रीअरेंजमेंट हुआ। अब ये रीअरेंजमेंट अगर हुआ यहाँ पर तो हुआ क्या, हुआ कुछ इस प्रकार, क्या बना, सी पर डबल बॉन्ड तो ओ एन है ही, एन पर क्या आ गया, एन पर pH आ गया, और यहाँ से जो H2O सिस्टम में ओ था, एच था, एच था, यहाँ पर लॉन पेयर था, यहाँ क्या था, एक लॉन पेयर और आ गया, ये निकल गया, और यहाँ पर क्या आ गया, CH3, अब इस बॉन्ड तो हट चुका, तो 1, 2, 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड रहा, यहाँ पर कौन चार्ज आ गया, प्लस, ये रिएक्शंस हुआ। अब इस रिएक्शंस को इस सिस्टम में क्या है फिर समझ लेना है, बहुत अच्छा रिएक्शन, H2O निकल हुआ, इसको कमी हुआ, pH इसके NT में था, फिनाइल ग्रुप ये जाके अटैक कर दिया। अब सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, सिस्टम में वाटर प्रेजेंट है, सिस्टम में जब वाटर प्रेजेंट है, वाटर में क्या हो गया, HOH, जान पा रहे हो, फिर O पर क्या है, लॉन पेयर है, तुरंत ये लॉन पेयर इस पर क्या किया, अटैक किया, लॉन पे अटैक किया इसके प्लस को हटाने के लिए। अब क्या होगा, यहाँ CH3 ऑलरेडी है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर अभी, अब यहाँ पर CH3 ऑलरेडी है तो पहले यहाँ पर O से अटैक करवा देते, O पर क्या हो गया, H, फिर O का लॉन पेयर इंगेज हो गया, एक लॉन पेयर बचा, चार्ज कौन आ गया बताओ, प्लस। अब यहाँ पर जब ही ये अटैक किया तो यहाँ पर ये अटैक करने से इसका तो बॉन्ड फूट गया, और ये बॉन्ड होने के कारण यहाँ से अब डबल बॉन्ड N है, N पर क्या आ गया बताओ, pH आ गया, यहाँ तक कंपाउंड स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी कम क्यों है, यहाँ पर कौन चार्ज है बताओ, प्लस चार्ज है, जब ही यहाँ पर प्लस चार्ज है इसके लॉन पेयर पर, ये यहाँ पर क्या किया बताओ, लॉन पेयर यहाँ पर अटैक किया, जब ये अटैक किया तो यहाँ पर क्या किया, ये H को प्लस हटाने के लिए इस बॉन्ड को खींचना चाहेगा, और जब ये इस बॉन्ड को यहाँ खींचना चाहेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो दो लॉन पेयर आ जाएगा, तो दो दो लॉन पेयर आएगा तो H प्लस बन के क्या होगा, निकल गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सी डबल बॉन्ड N है, N पर क्या है, pH है, और यहाँ पर क्या हो गया बताओ, CH3, यहाँ पर क्या हो गया, O पर क्या, H, यहाँ पर लॉन पेयर, यहाँ पर लॉन पेयर, यहाँ निकल गया क्या चीज़, H प्लस आयन यहाँ से निकल गया। अब प्रॉब्लम यहाँ उठता है कि यहाँ लॉन पेयर है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, और नाइट्रोजन जो है कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन अपने तरफ पुल करेगा, खींचेगा, जब ये खींचेगा तो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन चला जाएगा कहाँ, यहाँ पर कौन चार्ज आ जाएगा, माइनस। उस केस में जब ये यहाँ पर, फिर समझना है, फिर से गौर से समझना है कि यहाँ पर से डबल बॉन्ड जब ये खींचा तो इसको कमी हो गया, कार्बन पर 1, 2, 3 बॉन्ड हो गया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गया तो इस पर कौन चार्ज आ गया, माइनस। अब माइनस आ गया तो ये क्या करेगा, माइनस आ जाने के कारण आप देखिए एक स्टेप और कर ही देते हैं, सी पर क्या हो गया, CH3, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड ओ आ गया, एन पर क्या आ गया, N पर क्या, pH, और N पर एक ऑर्बिटल आ गया, और यहाँ का जो H था ये H आ गया, अब यहाँ पर एक लॉन पेयर है, यहाँ पर क्या प्लस है, फाइनली क्या करेगा, इस H के इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, छीनेगा, H पर कौन चार्ज आ गया बताओ, H पर प्लस आ गया, और जब ये H पर प्लस आ जाएगा तो ये जो माइनस है ये इसको क्या करेगा, अपने पर
अटैक कर लेगा, अपने पर अटैक कर लिया तो प्रोडक्ट हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट हमारा कुछ इस प्रकार बन गया, प्रोडक्ट सी है, सी पर क्या बन गया CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर क्या हो गया PH, और यहाँ पर क्या आके जुड़ गया H, ये प्रोडक्ट हमारा मेन प्रोडक्ट बन के निकल गया, यही हमारा रिएक्शन। लास्ट में H यहाँ H प्लस बन के निकला है, इस लास्ट स्टेप का क्या नाम हो जाएगा, इस स्टेप को हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डी प्रोटोनेशन। व्हाट इज दिस, इट इज कॉल्ड डी प्रोटोनेशन। तो वहाँ प्रोटोनेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में, यहाँ पर क्या होगा डी प्रोटोनेशन। तो ये उम्मीद करते हैं यहाँ पर इस प्रोडक्ट को आराम से इसको समझ गए होंगे। पहले इसको स्क्रीनशॉट लेना, एक बार और समझ लेना, ये केमिकल रिएक्शन हुआ, ये पार्ट्स है इसका। व्हाट इज दिस, इट इज आवर केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन। और यहाँ से स्टेप वन से ऐसे वहाँ बना, सब स्टेप पे है ये, एक्चुअली स्टेप वन हुआ, स्टेप टू हुआ, स्टेप थ्री हुआ, स्टेप फोर हुआ, स्टेप फाइव हुआ, स्टेप सिक्स, ये फाइनली स्टेप सिक्स में जाके यहाँ से प्रोडक्ट बन के निकल गया। तो दो जगह हमारा H प्लस का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, सारे स्टेप में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। फिर एक बार समझना है, इसके ट्रांसपोजिशन पर है तो स्टीरियो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से यहाँ पर ये अटैक करके ये जो ग्रुप यहाँ पर जब ये अटैक करेगा pH जला जाएगा, वहाँ पर H2O निकल गया, pH आकर H2O बाहर हो गया, सिस्टम में H2O है, H2O जहाँ इस पर प्लस आ गया तो H2O इस पर अटैक किया, ऊपर क्या आ गया प्लस, और जब ही ऊपर प्लस आया तो H के इलेक्ट्रॉन को वो छीना तो H पर प्लस, H प्लस यहाँ से एक H प्लस यहाँ से निकल गया। अब H प्लस जब निकल गया तो यहाँ पर जो OH बन गया, लेकिन नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन कार्बन, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, जब ही कल इसको कमी होगा, दो लॉन पेयर फिर इसको प्रोवाइड किया, जब ये लॉन पेयर प्रोवाइड किया फिर इस पर आ गया कौन चार्ज प्लस, आप प्लस को हटाने के लिए तुरंत इसका लॉन पेयर यहाँ पर अटैक कर दिया, इस लॉन पेयर से इसके जो सिग्मा बॉन्ड को खींच लिया, एच पर क्या आ गया प्लस, जब ही एच पर प्लस आया यहाँ पर ऑलरेडी माइनस है, माइनस इस प्लस को खींच करके ये प्रोडक्ट हमारा बना दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज बैकमेंस रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। और लास्ट सेक्शन में इसको हम लोग देखना है इसका मैकेनिज्म। क्या चौथा पॉइंट में क्या हो गया, एप्लीकेशन, इस रिएक्शंस का क्या एप्लीकेशन है इसके बारे में जानना, बहुत अच्छे तरीका से हम लोग इसमें जान सकते हैं। एप्लीकेशंस में पहला एप्लीकेशन इसका है ए फॉर्मेशन ऑफ, क्या इसी रिएक्शन के कारण हम लोग फॉर्मेशन ऑफ एक बहुत अच्छा मेडिसिन है, इसका नाम है पैरासीटामॉल, इसका फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। कैसे जानते हैं, स्ट्रक्चर इसका मॉल है, अल्कोहलिक यहाँ पर है, और यहाँ पर N पर क्या आ गया H, और N पर क्या CO CH3 ग्रुप है। ये भी रिएक्शन जो फॉर्मेशन होगा किसके थ्रू होता है, बैकबेन रिएजमेंट। पैरासीटामॉल का काम जानते होंगे कि ये फीवर प्लस क्या बताया एनल्जेसिक प्लस एंटीपायरेटिक दोनों का काम करता है, दर्द हटाने के लिए एनल्जेसिक हो गया, एनल्जेसिक, और अगर बुखार को करना है एंड क्या एंटीपायरेटिक, ये दोनों का क्या बता दो पायरेटिक दोनों का काम करता है। और सेकेंड रिएक्शन है बनाने में ये फॉर्मेशन ऑफ हम लोग करते हैं, है ना, फॉर्मेशन ऑफ कैप्रोलैक्टम, क्या करते हैं कैप्रोलैक्टम, ये हमारा सिंथेटिक फाइबर है। इस फाइबर बनाने में इसका क्या यूज़ करते हैं, स्पेशली नाम सुने होंगे नाइलॉन 6 का, है ना, न्यूयॉर्क लंदन 6, नाइलॉन का फुल फॉर्म न्यूयॉर्क लंदन 6 बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और तीसरा जो होता है, इसमें एक मेडिसिन बनाते हैं, उस मेडिसिन का फॉर्मेशन के कारण भी इसका उसमें फॉर्मेशन करते हैं हम लोग किसका, फॉर्मेशन ऑफ आइसोक्यूनोलाइन, ये बहुत अच्छा मेडिसिन है ना, मेडिसिनल काम करता है, वैसे वेनिला फ्लेवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और ये मेडिसिन का भी बहुत अच्छा बता वर्क करता है, मैंने प्रिवेंट, ये जो दवा होता है प्रिवेंशन में, प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया नाम का एक फीवर था उसके प्रिवेंशन में, सिस्टोसोमनिया में भी इसका यूज किया जाता है, दोनों में इसका यूज किया जाता है क्यूनोलाइन। ये क्या है, ये नेप्थलीन जैसा ही स्ट्रक्चर है, इसमें होता क्या है कि इस पोजीशन पर नाइट्रोजन आ जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल
सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कंपाउंड का इसी का नाम है आइसोक्विनोलाइन के, इसका क्या यूज किया जाता है, ये इसका एप्लीकेशन हुआ इस रिएक्शंस का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर इसको शेयर भी करना है, अगर बहुत इसको लाइक तो करना ही है, अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो आपस में कंट्रीब्यूट भी करना, अपने फ्रेंड में भी कंट्रीब्यूट करना। थैंक यू फॉर कंप्लीट वॉचिंग, बाय बाय।